चाय चाय तो बनानी हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा है। का बर्तन कहाँ है? हेलो गोपी, वो चाय का बर्तन कहाँ है? नहीं मेरा मतलब चाय तो मैं बना लूंगा वो, पर बर्तन नहीं मिल रहा है मुझे। जी वो गैस टैंक के सामने वाले दराज में है, अभी देखता हूँ। हाँ मिल गया। अरे हाँ, यही तो मैं देखने वाला था। मैं आऊं चाय बनाने? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना मैं बना लूंगा। गोपी सुनो, इसमें दूध कितना, पानी? अब मेरा मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह की चाय पसंद है। अब वो तो मुझे नहीं पता ना, वैसे मैं बना लूंगा। आप एक कप पानी, एक चम्मच चाय पत्ती और दो चम्मच शक्कर और उसे उबलने दीजिए। और जब चाय का रंग आ जाए तो थोड़ा दूध डाल दीजिए। गोपी वो दूध, मेरा मतलब दूध कहाँ है? जी वो फ्रिज के दूसरे खाने में। हाँ गोपी बोलो। अब आपको ये तो पता हो गई कि गैस को दाएं हाथ की तरफ घुमाना है और फिर लाइटर से चलाना है। गोपी मैं चाय बना के लेके आता। सब ठीक है ना? अब मतलब अब चाय पत्ती शक्कर क्या हो गोपी, चाय क्या इतनी बुरी बनी? नहीं नहीं अहम जी, चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू।
कॉपी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था। मैंने तो कह दिया, लेकिन तुम्हारे जवाब का मुझे अभी भी इंतजार है। कॉपी बोलो ना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता। नहीं, वो ठीक है। गुड नाइट। मम्मी, लोग सुबह सुबह फ्रेश उठते और यहाँ मेरी तो शू थो आज सुबह सुबह बत्ती गोले मेरी, फिर आपने आपने मुझे मंदिर धकेल दिया वो मन्नत के चक्कर में। मम्मी देखो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कभी ये करो, कभी वो करो, मतलब ढोंग करने जैसा। जो दिख रहा, अटकलों में जीने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अटकलों का पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर। चल जा, अभी से ढिंढोरा पीटना शुरू कर दे कि तू मां नहीं बन पा रही है। इसी भी इस बच्चे के चक्कर में उस गवार ने पूरे परिवार का ध्यान अपनी तरफ बटा दिया है। अब तुम भी जाके कुछ करना। ठीक है मोटा भाभी, आरती के लिए चले। हाँ चल। मम्मी घर के सारे लोग नीचे आ रहे हैं पूजा के लिए, आपसे बाद में बात करती हूँ। ये राशि कहाँ है? ये लो, वो तो मंदिर में ही है, आओ चलते। कान्हा जी, गोपी को आप पर अटूट विश्वास है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। कान्हा जी, मैं भले ही मुंह से कान्हा जी नहीं करती, लेकिन मेरी हर सांस में मैं आपको याद करती हूँ। आप मुझ पे भी थोड़ी कृपा कर दीजिए, मेरी भी झोली भर दीजिए। मुझे भी मां बनने का सुख दीजिए। मैं यही मन्नत लेके आज मंदिर भी गई थी। कान्हा जी प्लीज, आप मुझे भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। राशि दिख रहा? राशि दिख रहा? तुम्हारे पण बाल गोपाल जो ये जी बाप, आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूं। आज मैं मंदिर भी यही मन्नत लेके गई थी और मैंने धागा भी बांधा है। अब देखते हैं कान्हा जी मेरी मन्नत कब पूरी करते हैं। राशि दिख रहा? इनसे तू जो भी कुछ दिल से मांगेगी वो जरूर तुझे मिलेगा। राशि, एक बात सच बताना, क्या तुम मां बनने के लिए मन से तैयार हो?
हाँ काकी जी बिल्कुल। कितनी ममता छुपी है तेरे अंदर। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा अपना बच्चा नहीं आ जाता ना, तब तक गोपी की संतान तो है ही, गोपी का बच्चा भी तो तुम्हारा ही है ना। और कान्हा जी की लीला तो देख, उस बच्चे के साथ तेरा तो दोहरा रिश्ता है, काकी का भी और मासी का भी। हेतल वहू जीवा, आज आरती जिगर और राशि वहू को करने दो। सारूबा जिगर चल आरती कर। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बच्चे की इतनी चाह है। साथ